नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कुल्फी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, पुलिस शब्द का जब भी उच्चारण होता है तो हमारे दिमाग में एक रक्षक, एक जन सेवक का भावना उत्पन्न हो जाती है। परंतु कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है या इस पवित्र वर्दी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरी पुलिस महकमा सिर्फ बदनाम ही नहीं होती बल्कि कलंकित हो जाती है। ऐसा ही एक घटना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत ब्राकर पुलिस पोस्ट में हुई है, जहां पे 3 युवकों को चोरी के आरोप में लाया गया था। उनमें से एक की मौत हो गई, एक आईसीयू में भर्ती है और एक युवक लापता है। विगत 3-4 दिन पहले ब्राकर डिसरगढ़ रोड स्थित बीसीसीएल के कुछ क्वार्टरों में एक साथ चोरी हुई थी, जिसके आधार पर इन 3 युवकों को ब्राकर पुलिस ने पकड़ कर लाया था पूछताछ करने के लिए। लेकिन आरोप है कि पुलिस पूछताछ के दौरान उन लोगों के साथ काफ़ी बर्बरतापूर्ण पिटाई की, जिसके कारण एक युवक अरमान अंसारी की मौत हो गई और एक लापता है और एक आईसीयू में भर्ती है। इसे लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ, लोगों ने सड़क जाम कर दी, पहाड़ी में तोड़फोड़ की, पुलिस के वाहन को आग भी लगा दी। हालांकि इस बाबत पहले भी आप लोगों तक खबरें पहुंचाई गई है। आज फिर से जो युवक आईसीयू में भर्ती है और जो युवक लापता है 3 दिनों से, उनके परिजनों से आज बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या हाल है। को ये क्राइम हुआ शनिवार का रात को, ठीक है? क्या हुआ था वो आपका, हम लोग का बीसीएल क्वार्टर में, बीसीएल न्यू कॉलोनी डिसगर रोड में जो बीसीएल क्वार्टर है, वहाँ पे आपका 9 घर का ताला तोड़ दिया। तो हम लोग सब मिलकर रोड जाम किए, तो रोड जाम करने के बाद पुलिस आया। पुलिस आने के बाद बोला कि भैया क्या बात है, तो हम लोग भैया बोले कि ऐसा ऐसा बात है, 9 घर का ताला टूटा, आज इतिहास में पहला बार हुआ। 6 गए थे, 8 हम लोग, पुलिस आया 1 घंटा रोड जाम करने के बाद। उसके बाद मेरा भाई 2005 में एक छोटा मोटा केस में सनोज श्रीवास्तव वो पकड़ा किया गया था, तो वो बेल उल करवा के हम लोग सोचे कि चलो हटाओ, सब मैचुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन जो केस हुआ उसके बाद मेरा भाई को उठा के लेके गया, सनोज श्रीवास्तव को भाई को उठा के लेके गया। आज 3 दिन से कोई पता नहीं, हम फाड़ी रोज आ रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं, कोई पता नहीं, रोज आ जा रहे भैया क्या बात है। आज आए तो बोलता है कि आपको कोर्ट चलान कर दिया है। कोर्ट गए, कोर्ट का वकील को बोले, मुकेश बोल के एक वकील है उसको बोले, तो वो बोला नहीं भैया कोर्ट में तो कोई नहीं है, आप कुल्टी थाना जाइए। कुल्टी थाना गए, 1 घंटा धूप में खड़ा रहे, मम्मी पूरा रो रही है घर में, और तो कोई है नहीं भैया, वाइफ बच्चा कोई है नहीं उसका, हम लोग का सबका शादी ब्याह हो गया, मगर मम्मी का रोए देख के हम लोग को तकलीफ होता है, हमको तकलीफ होता है, हम लोग 5 भाई है मगर और किसी को तकलीफ नहीं है, मगर हमको तकलीफ हो रहा है कि मेरा माँ का आँख में आंसू आ रहा है, देखिए हम भी रो रहे हैं और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्या करें हमको पता नहीं। उसके बाद ये जो लड़का जो हुआ, ये जो मेरा भाई का, इसका कोई पता नहीं चल रहा, मरा है या बचा है कुछ तो बता दे भाई। और ये जो लड़का जो युवा अरमान, ये अरमान जो मरा है वो तो लापरवाही से मरा है, हम जहाँ तक सुन रहे हैं कि सिविलो का मारपीट से मरा है, पुलिस का लापरवाही से मरा नहीं। अगर मरता तो बड़ा बाबू जो रिसेंट में है वो आता, पुराना बड़ा बाबू आके नहीं बोलता, हमको उतना कोई मतलब नहीं है, मगर यही चाहते हैं कि आने वाला समय में या प्रेजेंट समय में हालात सुधरे। बड़ाकर में हमेशा का हमेशा यही प्रॉब्लम है, हम लोग हमेशा संभाले, हम भी बड़ाकर में 4 काम किए, बड़ाकर फाड़ी में आरजी पार्टी में हम भी काम किए हैं, मगर आज ये जो सिचुएशन देख रहे हैं हमको बड़ाकर फाड़ी से मन उब गया, हम कुछ नहीं करेंगे। आप बड़ाकर आप डाउट कर रहे हैं कि आपका भाई के संग भी ऐसा कुछ हो गया, तभी ना लग रहा है हमको, ना सलाह, ना कुल्टी थाना कुछ बोल रहा है, ना बड़ाकर कुछ बोल रहा है, क्या करें, अपना मम्मी को हम क्या समझाएं, क्या हुआ, मर गया है या बच गया है। देखिए आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग को यही चाहते हैं हम कि आप लोग उसका छानबीन करिए, अगर मर गया तो डेड बॉडी तो मिल जाए, अगर भाई मेरा मर गया तो उसका तो अंतिम संस्कार को कर सकते हैं। देखिए हम मुसलमान नहीं है, मुसलमान लोग का एकता है मगर हम लोग का हिंदू का एकता नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अरुण कुमार श्रीवास्तव। ठीक।
আপনি এখন কি চাইছেন? আপনি কি চাইছেন? আমি চাই যে যেমন আমাদের ছেলে সুস্থ হয়ে যায়, ভালো হয়ে যায়, ওইটা আমরা চাই আপনাদের কাছে। কিন্তু দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চান না? তারপরে আমার বাড়ি আসুন, বাচ্চাটা তারপরে আমরা দেখব। এটা তো শ্যামল বাবারই বাড়ি, কি হয়েছিল একটু বলবেন? কিছু তো হয়নি, তো কাজে থেকে এসেছিল, কাজে থেকে এসে বাড়িতে চা জল খেলো, তো আধা ঘন্টার মতো বাইরে বেরোলো, বাইরে বেরো থেকে বাড়িতে এসে খাইয়ে দিয়ে ও শুয়ে দিল, বলছে আমার গা হাত ব্যথা করছে, আমি শুভ, তো শুয়ে দিল। তারপর আধা ঘন্টা এক ঘন্টার পর এসে বাড়িতে এলো পুলিশ, সিভিল ড্রেস এসেছিলো, এসে নিয়ে বলছে শ্যামল কই এলো, বাড়িতে বার করলো ঘর থেকে, বলছে একে নিয়ে যাবো, পুছতাছ করবে বড় বাবু, ঠিক ছেড়ে দেবে। নিয়ে গেছে, তারপর ফাঁড়িতে আমরা গেছি, তো বলছে তোমরা জানো না, কাউকে দেখা দেওয়া হবে না, দেখতে দেবো না, দেখতে দিল না, ভাগাই দিল আমাদেরকে। তারপর আমরা চলে এলাম বাড়ি, তো সকালে গেলাম, তো বলছে কুলটি চালান করে দিয়েছে, কুলটি থেকে গেছে, তো ওখানে ঢুকতে দিল না, কুলটিতে তো কোনো কথাই বলে না, আমাদের এখানে জান পরিচয়। তারপর এদিকে ঝামেলা স্টার্ট হয়ে গেল, আরমান মারা গেল, তখন আমাদের ভয় হয়ে গেল, ফের আমরা কুলটি গেলাম, তো কুলটিতে কিছু জবাব নেই, খোঁজ খবর নেই। তারপর 12টা 1টার দিকে ফোন এলো, ফোন আসার পর বলছে তুমি শ্যামলের ভাই? আমরা হ্যাঁ। তো বলছে তোমার দাদা এখানে ভর্তি আছে। ওকে কি মারধর করা হয়েছে? ওকে পুরো মেরেছে, পুরো এগুলো লাল হয়ে আছে, উঠতে পারছে না, বিছানা থেকে কথা বলতে পারছে না, বাথরুম যেতে পারছে না, বাথরুম যেতে পারছে। তাহলে কি পুলিশ যেজন যে কতজনকে তুলেছিল, যেগুলোকে সবাইকে মারধর করেছে? সবাইকে মারধর করেছে, সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে। আর আমার দাদার খবর নিয়েছিলাম, খবর তো পাইনি, হসপিটাল থেকে একজন ফোন করেছিল তোমার দাদা এখানে ভর্তি আছে, তো পুলিশদেরকে বলা উচিত না কি তোমার দাদাকে আমরা ভর্তি করেছি, যাও তোমরা। মানে পুলিশের মারে কি ওকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছে? ভর্তি করেছে, পুরো মেরেছে, উঠতে পারছে না, এখন তো কাল তো সিরিয়াস ছিল, এখন তো জানি না কি অবস্থা। এবার আমরা কি করি, আমাদেরকে তো ইনসাফ চাই, আমরা এটাই চাই ভালো ট্রিটমেন্ট যেন হয়। আমার প্রশান্ত তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ, ওকে রাত 11:30 নিয়ে গেছে, আর পুলিশ এসেছিল, সব সিভিল ড্রেস ছিল, সব পুলিশ ছিল না, ট্রাফিক ছিল, ওতে সিবিপি গেল, ছিল ওরা বলে যে বরাবর ডেকেছে, সে কথা করবো, সে কথার মাধ্যমে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আমি ঠিক আছে নিয়ে যাও, তারপরে গেলাম, তো বলছে এখানে কী আছে, অনেক যাদের ইনচার্জ থাকে, তারপর কী আছে কী আছে, যাও এখানে যাও বাড়ি থেকে। তাহলে আমরা সামনের জন্যে তোমরা যা না সামনকে নিয়ে এসো, হ্যাঁ জানি বলে এসেছি, যাও যাও এখন কোনো শোনা হবে না। আচ্ছা, ও শ্যামলবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? না, এখানে ভর্তি হওয়ার পর কথা? না না। আচ্ছা, আপনার নাম সমু বাউরি? না, সমু বাউরি। আর ওর বাবার নাম কি? কানাই বাউরি। কানাই বাউরি। আর মায়ের নাম? মায়ের নাম নারায়ণী বাউরি। কয় ভাই ওরা? ওরা হচ্ছে 2-3 ভাই আর 2 বোন। কি করতে এমনি সমু বাউরি? কে সমু বাউরি কি করতে? এই শ্যামল বাউরি কি করতো? মেঘা সেলে কাজ করতো। নাগা সেল? মেঘা সেল। মেঘা সেল, ও কাজ করতো। মানে ওর বিরুদ্ধে ভুল অভিযোগ দেওয়া হয়েছে? ভুল মানে কি, আগে একটা কোনো ওকে ফাঁসাইছিল, নাম দিয়ে দিয়েছিল, সেই কারণে ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বানাতে নিয়ে গেছে, ওকে পুরো পিটিয়েছে, ভালো নেই, কিন্তু ভালো আছে কি না আছে জানতে পারছি না। এবার আমরা একবার রিকোয়েস্ট করলাম যে আমরা একটু ভিতর থেকে ঢুকবো, হলো ঢোকার একটু। আপনার নাম? আমার নাম সমু বাউরি। হ্যাঁ, আমার নাম সমু বাউরি। সমু বাউরি? হ্যাঁ। আপনি কে হন? আমি ওর কাকা। কাকা, ফোনটা বন্ধ করুন।